आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव का प्रिय मास श्रावण वर्तमान में जारी है। 2024 में श्रावण मास 22 जुलाई से आरंभ हुआ है और 19 अगस्त तक श्रावण मास चलेगा। श्रावण मास के अवसर पर श्रद्धालुओं के द्वारा अलग अलग तरह से देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है, प्रयास उनके द्वारा किए जाते हैं कि देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं। भोले हैं बहुत, ये माना जाता है कि भगवान शिव बहुत भोले हैं और वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। नंदी बाबा भी आपको दिख रहे होंगे, अखंड रामायण का पाठ यहाँ पर चलता हुआ दिख रहा होगा, मठ मंदिर का ये नज़ारा हम दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जगह जगह देवालयों में पूजा अर्चना, अखंड रामायण भजन कीर्तन लगातार जारी है। कई जगहों पर 2400 घंटे देवाधिदेव की आराधना की जा रही है। लोग देवाधिदेव महादेव की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं। 2024 में 19 अगस्त तक श्रावण मास चलेगा, 22 जुलाई से श्रावण मास आरंभ हुआ है। 2 श्रावण सोमवार बीत चुके हैं, 4 अगस्त को तीसरा, 11 अगस्त को चौथा और 18 अगस्त को पांचवा श्रावण सोमवार आएगा। ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में श्रावण सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है। श्रावण सोमवार को देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव का पूजन अर्चन करने से वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे पूरे श्रावण मास में देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव बहुत थोड़ी सी पूजा अर्चना स्तुति से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इस तरीके की मान्यताएं भी हैं। सिवनी शहर को वैसे भी शिव की नगरी कहा जाता है, भगवान शिव की नगरी सिवनी कहलाती है। जगह जगह देवालय आपको दिख रहे होंगे, देवालयों में पूजन अर्चन। बारिश का मौसम, पहली बार झड़ी लगी हुई आपको दिख रही होगी, श्रावण मास की झड़ी। अधेड़ हो रही पीढ़ी इस बात की साक्षात गवाह है कि सावन का महीना आते ही बारिश की झड़ी लगती थी। सावन और भादों में जबरदस्त बारिश हुआ करती थी और बारिश की झड़ी लग जाए। श्रावण मास एक ऐसा पवित्र मास है जिस महीने में पूजन अर्चन, देवताओं की स्तुति सभी लगातार लोग किया करते हैं। ये एक आपको हम बस स्टैंड के करीब एक देवालय दिखा रहे हैं, भगवान शिव का देवालय। इसकी स्थापना 1978 में शिवरात्रि के दिन की गई थी। दरअसल जो पुराना अस्पताल प्रांगण था, उस प्रांगण के अंदर 1978 के, आप अगर यहाँ जाएंगे तो सामने देवालय में 1978 लिखा हुआ, महाशिवरात्रि के दिन 1978 में इस शिवलिंग की स्थापना की गई थी। ये आपको हम दिखा रहे हैं 1978 का शिवलिंग, शिवरात्रि 1978 की शिवरात्रि में इस शिवलिंग की स्थापना यहाँ पर की गई थी। इसके बाद 1978 में ही इसके बाजू में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर माता की स्थापना, दुर्गा माता की स्थापना 1978 की शारदीय नवरात्र में की गई थी। और इसके बाजू में एक दक्षिणमुखी हनुमान जी भी हुआ करते थे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये माता जी यहाँ पर विराजी हुई हैं। 1978 से यहाँ पर लगभग 46-47 साल पूर्व इनकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। तब यहाँ पर एक जिला चिकित्सालय यहाँ हुआ करता था और नया जिला चिकित्सालय बनने के बाद ये पुराना अस्पताल कहलाता था। बस स्टैंड और कोतवाली के बीच का स्थान, ये देखिए 1978 यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, 1978 की शिवरात्रि में इसकी स्थापना कराई गई थी। ये यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी रहा करते थे और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने आपस में मिलकर इस देवालय की स्थापना की थी और 1978 से लेकर अब तक यहाँ ये देवालय में पूजा अर्चना लगातार जारी है।
यहाँ आप पीछे देख सकते हैं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी हैं और ये देवालय कुछ जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है, क्योंकि यहाँ अब प्रबंधन के नाम पर कोई विशेष ध्यान देने वाले लोग यहाँ नहीं बचे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बस स्टैंड स्थित ये देवालय भगवान शिव का मंदिर और यहीं बाजू में दुर्गा माता विराजी हुई 1978 के महाशिवरात्रि और 1978 के शारदीय नवरात्र में इनकी स्थापना की गई थी। ये अब हम आगे आपको लेकर चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हनुमान जी आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर देवालय ये आपको दिख रहा है, ये वाला ये बाल स्वरूप हनुमान मंदिर का ये आपको हम नज़ारा दिखा रहे हैं। बाल स्वरूप हनुमान मंदिर मावी टाकिज के पास, और यहाँ पर पूजन अर्चन आरती के साथ ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अखंड रामायण का पाठ भी यहाँ जारी है। ये बड़ी सिद्ध पीठ के रूप में जाना जाता है। मावी टाकिज के पास, मावी टाकिज के ठीक सामने बाल स्वरूप हनुमान मंदिर। श्रावण का मास, पुण्य अर्जित करने के लिए लोग श्रावण के मास में देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हैं। वैसे श्रावण मास ये माना जाता है कि श्रावण मास भगवान का, भगवान शिव का, देवाधिदेव महादेव, देवों के देव महादेव को, भगवान महादेव को देवों का देव कहा जाता है, ब्रह्मांड का राजा उन्हें कहा जाता है, और देवाधिदेव महादेव की पूजा स्तुति की जाती है। सिवनी में महाकालेश्वर टेकरी भी है, महाकालेश्वर का मंदिर भी है। आद्य शंकराचार्य के द्वारा पूजित मठ मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि मठ मंदिर के शिवलिंग और काशी विश्वनाथ के शिवलिंग की स्थापना एक साथ की गई थी, और दोनों का आकार जब उनकी स्थापना कराई गई थी आदि शंकराचार्य के द्वारा तब एक ही हुआ करता था, इस तरीके की मान्यता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।